कल दिल्ली में 12,306 पॉजिटिव केसेस आए, पॉजिटिविटी रेट था 21.5%, 21.48% था एग्जैक्टली, 43 डेथ थी। बेड ऑक्यूपेंसी पहले से थोड़ी सी कम हो गई है, 2698 बेड थे और पिछले 6-7 दिन के अंदर जो टोटल बेड ऑक्यूपेंसी थी वो स्टैग्नेंट हो गई है, वो भी कम हो गई है। दिल्ली के अंदर केसेस जो 28,000 तक गए थे वो कम होकर 12,000 पे आ गए हैं, और आज का जो डाटा इकट्ठा किया जा रहा है वो इससे भी काफ़ी कम है, वो लगभग 10,500 के आसपास डाटा लग रहा है। और पॉजिटिविटी भी काफ़ी तेज़ी से घट रही है, अब जो पॉजिटिविटी आने वाली है वो 17-18% के बीच में आ रही है। तो दिल्ली के अंदर केस नंबर ऑफ केसेस भी कम हो रहे हैं, पॉजिटिविटी भी कम हो रही है, इस टाइम काफ़ी कंट्रोल में है। और जो एक्सपर्ट्स का कहना था पहले कि दिल्ली के अंदर 1,00,000 केसेस भी पर डे आ सकते हैं, अब वो खतरा टल गया है। 28,000 पर आने के बाद, पीक आने के बाद अब तेज़ी से केस नीचे गिर रहे हैं, और पॉजिटिविटी भी तेज़ी से 30% से जाने के बाद घटते घटते 17-18% पे आ गई है। तो दिल्ली के अंदर पीक जा चुका है और केसेस कम हो रहे हैं। दिल्ली सरकार ने माननीय एलजी साहब को 3 चीज़ों के रेस्ट्रिक्शन हटाने के लिए लिखा है। एक तो इवन ऑड जो दुकानों का है उसको ख़त्म करने के लिए, दूसरा वीकेंड कर्फ्यू ख़त्म करने के लिए, और तीसरा जो प्राइवेट ऑफिसेज हैं उसको 50% ऑक्यूपेंसी के साथ चलाने के लिए। तो उनसे निवेदन किया गया है कि इनको अलाउ किया जाए, क्योंकि दिल्ली के अंदर अब जो कोरोना का जो बहुत बड़ा खतरा था वो कम हो गया है और केसेस भी काफ़ी कम हो गए, इसके लिए निवेदन किया गया है। साथ ही साथ मैं बता दूं कि कल जो टेस्ट हैं, RT-PCR टेस्ट हैं और दूसरे टेस्ट हैं, उनके रेट को कम किया गया है। अब RT-PCR टेस्ट जो पहले 500 रुपये था उसको 300 रुपये कर दिया गया है प्राइवेट के लिए, और घर से जो सैंपल लेते थे पहले 700 रुपये था उसको 500 रुपये कर दिया गया है, और जो रैड टेस्ट था, रैपिड एंटीजन टेस्ट था, जो 300 रुपये था उसको 100 रुपये कर दिया गया। इन रेट्स को कम किया गया, घटाया गया, ताकि लोगों को सुविधा मिल सके। सर एक सवाल है, कल मामले कम हो रहे हैं, कल मौत हुई थी बहुत ज़्यादा, 43 मौत हुई थी। देखो 43 में से तीन ऐसी डेथ थी जो कि प्राइमरी कॉज था जिसका कोविड था, बाकी प्राइमरी कॉज सभी के किसी और वजह से थे। 40 जो डेथ थी जिसके अंदर कैंसर के लोग थे, किडनी डिजीज थी, 2 केसेज ऐसे थे कि जो एक्सीडेंट और ट्रॉमा वाले केस थे, तो वो सारे मिक्स था। प्राइमरी कॉज ऑफ डेथ जो था वो था 3 लोगों का था। डेथ देखिएगा, अस्पताल में काफ़ी सारे लोग आते हैं जिनको कोविड वहाँ पे जाके हो जाता है। सर ये इवन ऑड भी खत्म हो रहा है क्या? इसी के लिए हमने एलजी साहब को लिखा है कि इवन ऑड को दुकानों के लिए ख़त्म किया जाए, वीकेंड कर्फ्यू को ख़त्म किया जाए, और जो प्राइवेट ऑफिसेज हैं उसको 50% संख्या के साथ, 50% एम्प्लॉय के साथ चलाने की अनुमति दी जाए। हम आशा करते हैं कि आज उसको जो समारोह अभी हमने 3 चीज़ों के लिए किया है, देखते हैं 2-4 दिन में और कम होगा तो फिर दोबारा से कहेंगे, ये रिक्वेस्ट की गई है।